कि बच्चे का, पहली बात कि मनुष्य प्रकृति से बहुभाषी होता है। आप सब भी यहाँ पर कम से कम तीन भाषाएं तो जानते हैं ना, कम से कम। तो आप एक भाषी नहीं है, आपकी गति और आपका प्रवेश तीन संसारों में है। आप भोजपुरी संसार में भी हैं, शायद अवधि में भी कुछ होंगे, उसकी दुनिया थोड़ी अलग तरह की है, जिसे हम जिस हिंदी में हम बात कर रहे हैं उसकी दुनिया थोड़ी अलग तरह की है, मिली जुली है, सहोदरी है, लेकिन थोड़ी सी विशिष्ट है एक दूसरे से, जैसे भाई बहन एक दूसरे से विशिष्ट होते हैं, जैसे सगे भाई या सगी बहनें भी कुछ खासियत अपनी अलग रखती हैं। और फिर बांग्ला की दुनिया में भी आपका प्रवेश है, और थोड़ी बहुत अंग्रेजी शायद होगी, अगर नहीं है तो कोई हर्ष नहीं। तो तीन अलग संसारों में, बौद्धिक संसारों में तो आप पहले ही विचरण कर रहे हैं, आप त्रिभाषी हैं, आप इसे एक भी यहां एक भाषी नहीं। और ये सहज ही तो है, आपने कुछ अलग से तो किया नहीं। तो मनुष्य प्रकृति से बहुभाषी पैदा होता है, और बच्चे तो हम लोगों को जो नई भाषा सीखने में, उमा जी ने भी बहुत महत्वपूर्ण बातें कही, मैं उनका भी धन्यवाद देना चाहता हूँ, साधुवाद भी देना चाहता हूँ। शुरुआत इसी से करें जो हमारा और आपका एक साझा रोज का अनुभव है, जिसका उन्होंने उल्लेख किया कि हम जो हिंदी बोलते हैं या हिंदी वालों को अंग्रेजी वालों से कुछ थोड़ी सी दिक्कत होती है ना, जब हम उनके सामने पहुंचते हैं तो नहीं होती है ना, मुझे भी होती थी। तो दुर्भाग्य से 70 साल में, क्योंकि इस देश ने आजादी मिलने के बाद और संविधान बनने के बाद एक तरह से भाषाओं के बारे में और व्यक्ति के जीवन में और एक समाज के जीवन में, राष्ट्र के जीवन में भाषा और भाषाओं का क्या महत्व होता है, उसकी क्या भूमिका होती है, इस पर सक्रिय गंभीर विचार करना छोड़ दिया। इसलिए आज स्थिति ये हो गई है कि इस देश में जो सबसे बड़ा विभाजन बन गया है वो जाति का उतना नहीं है, वो है लेकिन उतना नहीं है, वो धर्म का उतना नहीं है, है लेकिन उतना नहीं है, वो आर्थिक विषमता का भी शायद है लेकिन उतना नहीं है जितना भाषा का विभाजन है।